गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है सैटरडे और अभी शाम के 7 o'clock हो रहे हैं, तो मैं यहाँ पे सूखे कपड़े उतार रही हूँ। ये कपड़े मैंने शाम को नहीं उतारे क्योंकि मैं किसी काम से नीचे चली गई थी, सो अभी मैं उतार ले रही हूँ और इसके बाद मैं इस सबको फोल्ड करूँगी और फिर रात के डिनर की तैयारी करूँगी। सो गाइस, अभी मैं आ गई हूँ किचन में और आज मैं खाने में बनाने जा रही हूँ भरवा बैगन की सब्जी और चावल रोटी। तो इसके लिए मैं यहाँ पे बैगन को कट कर ले रही हूँ। तो हमें बैगन को 4 टुकड़ों में कट कर लेना है, पूरा नीचे से अलग अलग नहीं करना है, नीचे से थोड़ा सा लगे रहने देना है। तो अभी मैं बैगन को कट करके और पानी में डालती जा रही हूँ क्योंकि बिना पानी का ये रहेगा तो काले पड़ जाएंगे, इसके लिए मैं पानी में डालती जा रही हूँ। और हमेशा हम लोगों का क्या मन रहता है कि अलग अलग खाना खाने का, हमारे हस्बैंड का नहीं, हम औरतें लोगों का भी मन रहता है कि दिन में जो सब्जी खाए वो रात में ना खाए, और 2-3 दिनों बाद ही वो सब्जी खाने का मन रहता है। सो मेहनत तो थोड़ी सी लगती ही है, बट अलग अलग खाने में मज़ा भी बहुत आता है। तो मैं इसीलिए थोड़ा सा अलग आज बना रही हूँ, इसका भरवा बैगन बना रही हूँ बैगन का। मैंने सारे बैगन को कट करके और पानी में डाल दिए हैं और अभी मैं ग्रेवी की प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो उसके लिए मैंने नारियल पाउडर लिया है, घिसा हुआ नारियल और पीनट मूंगफली, इस दोनों को हम फ्राई कर ले रहे हैं, थोड़ा सा भून ले रहे हैं और फिर पीनट के छिलके को निकाल के और दोनों को साथ में ग्राइंड कर लेंगे मिक्सर के जार में डाल के ठंडा होने के बाद। नारियल और पीनट दोनों भून चुके हैं, देखिए इसका कलर चेंज हो गया है। सो मैं इसको एक प्लेट में निकाल दे रही हूँ। कढ़ाई में मैंने ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया है और बैगन को मैंने पानी से निकाल के एक थाली में रख लिया है। तो ऑयल के गर्म होने के बाद हम तेल में बैगन को थोड़े से सावधानी से रखेंगे, थोड़ा दूर होके, क्योंकि बैगन के अंदर में पानी चला गया है तो छींटे उड़ के पड़ेंगे तेल और पानी के, तो हम जल भी सकते हैं। इसके लिए मैं थोड़ा सा दूर हो गई और यहाँ पे मैं थोड़ा सा नमक ऐड कर दे रही हूँ, इससे बैगन जल्दी पकेंगे इसके लिए और हम इसको फ्राई कर लेंगे, भून लेंगे, इसका कलर चेंज होने तक हमें बैगन को फ्राई कर लेना है। 3-4 मिनट तक मैंने बैगन को फ्राई किया है ढक के, और इसको मैंने एक बार बीच में चेक भी किया था। तो देखिए यहाँ पे बैगन फ्राई हो चुका है, अब हमें इससे ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। सो अब मैं इसको एक थाली में निकाल लूँगी। अब मैं बाकी के बचे हुए तेल में ही सब्जी बनाऊंगी। तो इसके लिए मैंने तेल में जीरा डाल दिया है और राई, जीरा और राई के भुन जाने के बाद मैं यहाँ पे प्याज डाल दे रही हूँ। तो मैंने 2 प्याज को चॉपर में चॉप कर लिया है, सो प्याज को मैंने डाल दिया है और अब मैं प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लूँगी। प्याज भुन गया है तो अब मैं यहाँ पे डाल दे रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन को मैंने खलबट्टे में कूट लिया था तो वो डाल दिया है, और इसको भी हम थोड़ी देर तक भून लेंगे। अदरक लहसुन भी भुन गया है तो अब मैं यहाँ पे डाल दे रही हूँ मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर। हम इन मसालों को अब अच्छे से भून लेंगे। और अभी मैं यहाँ पे डाल रही हूँ गरम मसाला पाउडर और एक टमाटर का मैंने प्यूरी बना के रखा हुआ है, मिक्सर के जार में ग्राइंड करके रखा हुआ है, वो डाल दे रही हूँ और थोड़ी देर तक हम इस सबको अच्छे से भून लेंगे। और अब मैं यहाँ पे देखिए उस टाइम जो मैंने कोकोनट और पीनट को भून के और रखा हुआ था उसके बाद मैंने उसको ग्राइंड कर लिया हुआ है, सो डाल दे रही हूँ और थोड़ी देर तक हम इस सबको अच्छे से भून लेंगे। देखिए मसाला कितने अच्छे से फ्राई हो चुका है, भुन चुका है, मसाले से ऑयल साइड से निकलने लगा है। तो अब मैं यहाँ पे डाल दे रही हूँ फ्राई किया हुआ बैगन। तो अब मैं यहाँ पे
नमक ऐड करूंगी। तो ध्यान रहे कि नमक मैंने बैगन को फ्राई करने के टाइम पे भी रखा हुआ था, सो ध्यान में रख के और फिर नमक रखेंगे। तो मैंने नमक रख दिया है और अब मैं इसको मिक्स करके अच्छे से और पानी ऐड कर दूंगी। फिर मैं 10 मिनट तक इसको मीडियम फ्लेम पे पका लूंगी। सब्जी को पकने के लिए मैंने रख दी है और यहाँ पे अभी देखिए मैं बर्तन धोने आ गई हूँ। तो ये शाम के भी कुछ बर्तन है और अभी जो मैंने सब्जी बनाई है तो उसके भी कुछ बर्तन है। तो मैंने सोचा कि अभी वॉश कर लेती हूँ तो अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर खाना खाने के बाद बहुत सारे बर्तन हो जाएंगे तो मन भी नहीं करता है एक साथ इतने सारे बर्तन धोऊँ और फिर बहुत ये हो जाता है। और मैं हमेशा रात को ही बर्तन धो के सोती हूँ। एक तो ये भी टेंशन लगा रहता है कि सुबह उठ के बर्तन धो फिर काम करो, नहीं तो क्या होता है कि रात को बर्तन वॉश करके सोती हूँ तो सुबह उठ के सिर्फ चाय बनानी होती है और सुबह में भी तो बहुत सारे काम होते हैं। और ऐसे कहा जाता है कि जूठे बर्तन छोड़ने भी नहीं चाहिए, तो मैं सारे बर्तन रात को ही वॉश कर लेती हूँ। तो अभी मेरी सब्जी उधर बन रही है, इधर मैं बर्तन भी धो रही हूँ। उसके बाद सब्जी बनने के बाद फिर मैं चावल बना लूँगी। और वो सभी टीवी देख रहा है। दस मिनट हो गया है, मेरे बर्तन भी वॉश हो गए हैं। तो अभी मैं आ गई हूँ सब्जी को चेक करके देखने। तो देखिए सब्जी बन के रेडी हो गई है, बहुत अच्छे से ये पक गई है। हमें अभी इससे ज़्यादा नहीं पकाना है इसको। तो अब मैं धनिया पत्ती ऐड कर दूंगी और फिर गैस की फ्लेम को बंद कर दूंगी। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना, बहुत अच्छी बनी थी। मेरे हस्बैंड को तो बहुत अच्छी लगी थी, ये सब्जी बच भी गई थी। तो मैंने कल सुबह में यही कोई सिर्फ गोभी का भुजिया बनाया था, गोभी की सूखी सब्जी, और ये सब्जी भी बची गई थी। तो मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छी लगी थी, रोटी के साथ उन्होंने फिर दिन में भी खाया। और आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना, आप लोगों को भी बहुत अच्छी लगेगी। जिनको बैगन की सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती है वो एक बार ज़रूर ऐसा बना के देखें, उनको ज़रूर पसंद आएगी। सो ज़रूर ट्राई करना आप लोग। और यहाँ पे मैंने रात का खाना भी निकाल लिया है, ये दिन की रोटी बची हुई थी तो मैंने इसको गरम कर लिया है। और चावल, रोटी, अचार, प्याज और सब्जी। तो आइए और आप लोग भी खाना खा लीजिए। तो गाइस हमारा खाना पीना हो चुका है और आज हम लोग वॉक पे नहीं जा पाए क्योंकि वंश सो ही गया है, आज वो जल्दी सो गया। तो हम लोग ऐसे कल से फिर से स्टार्ट किए हैं वॉक पे जाना, क्योंकि यहाँ पे भी हल्की हल्की सी ठंडी पड़ रही थी। आजकल भी थोड़ी सी पड़ती है बट उतनी नहीं है, तो बाहर में थोड़ी सी लगती है हल्की हल्की सी, बट घूमना चाहिए खाना खाने के बाद। इसके लिए फिर से हम लोगों ने कल से स्टार्ट किया है और इसका दो फायदा होता है, तो हम लोग का वॉक भी हो जाता है और दूसरा फायदा ये है कि वंस साइकिल चला लेता है तो उसको भी अच्छा लगता है। तो बट लेकिन वो सो ही गया इसलिए हम लोग नहीं जा पाए। और आज जो मैंने सब्जी बनाई थी वो मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छी लगी, भरवा बैगन। ऐसे हम लोग बैगन थोड़ा सा कम खरीदते हैं क्योंकि उसमें बीज रहता है और ज़्यादातर बैगन सरा भी रहता है, सो हम लोग थोड़ा कम खरीदते हैं बैगन, तो उतनी अच्छी नहीं लगती है बैगन की सब्जी बीज की वजह से। और मुझे लगता है कि थोड़ा सा कड़वा भी रहता है यहाँ का बैगन, इसके लिए नहीं खरीदते हैं। तो बट आज जो मैंने जिस तरीके से सब्जी बनाई तो उनको बहुत अच्छी लगी। तो अभी मैं जा रही हूँ सोऊंगी, वंश सो ही गया है और मैं सोने से पहले मोबाइल देखती हूँ, आपका ब्लॉग वगैरह देखती हूँ और फिर देखते देखते जब नींद आने लगती है तो मोबाइल बंद करके सो जाती हूँ। तो सोचा आज के ब्लॉग का एंड करती हूँ। तो कैसा लगा ज़रूर बताना, पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलना ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो बनाऊँ तो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Good night.